सारा देश में इतना सारा रेजिमेंट है और रेजिमेंट में काम करने वाला इतना वीरों जिनका नाम स्वर्णिम अक्षर में इतिहास में लिखा गया है। और दोस्तों, मैं आज आपको ऐसा एक रेजिमेंट के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ जो कि दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं। और ये रेजिमेंट का जो परमवीर चक्र पहले पाने वाला पहला वीर ये हमारा देश का ये रेजिमेंट से था। और दोस्तों, मैं ये आपको बता दूँ, ये रेजिमेंट से हमारा देश को 3 स्थल सेना अध्यक्ष भी दिया है। दोस्तों, ये जो रेजिमेंट है, ये रेजिमेंट है कुमाऊनी रेजिमेंट। हाँ दोस्तों, ये जो कुमाऊनी रेजिमेंट का अमर कीर्ति, उनका जो हमारा इतिहास का स्वर्णिम अक्षर में उसको लिखा गया है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ, ये जो कुमाऊनी रेजिमेंट ये कब स्थापित हुआ था। दोस्तों, ये कुमाऊनी रेजिमेंट स्थापित हुआ था 1788 को। 1788 को कुमाऊनी रेजिमेंट का स्थापना हमारा दक्षिण भारत में बारार का जो नवाब है उनके द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये जो रेजिमेंट का स्थापना किया गया उसको बोला जा रहा था फोर्थ रेजिमेंट, मगर ये बाद में अभी आके फोर्थ कुमाऊनी रेजिमेंट बोल के बोला जाता है। दोस्तों, इसका 200 साल पूरा होने पर हमारा सरकार उसके ऊपर एक डाक टिकट भी अभी उसके लिए ओपन कर दिए। दोस्तों, मैं इसका जो सेकेंड है जिसको बोलते हैं अभी कुमाऊनी रेजिमेंट 2, और कुमाऊनी रेजिमेंट 2 का स्थापना हमारा हैदराबाद का जो निज़ाम है उनने किए थे। दोस्तों, ये 1970 में हमारा इंग्लिश सरकार के द्वारा जो हमारा कर्नल है उनका नाम है कर्नल लंगर, जो कि अब 1970 में 17 दशक में वो लोग कुमाऊनी रेजिमेंट का स्थापना किए थे। दोस्तों, मैं ये कुमाऊनी रेजिमेंट का बारे में आगे बोलने से पहले मैं आपको मेरा नाम बता देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं सावधान। दोस्तों, ये कुमाऊनी रेजिमेंट का नाम कब दिया गया ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसका नाम 17 अक्टूबर 1945 को उसका नाम कुमाऊनी रेजिमेंट बोल के नाम दिया गया। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ, ये आपको बता रहा था कि ये जो कुमाऊन रेजिमेंट ये हमारा देश को 3 थल सेना अध्यक्ष दिया है। हाँ दोस्तों, तो पहला जो कुमाऊन रेजिमेंट में अध्यक्ष जो हमारा थल सेना का अध्यक्ष थे उनका नाम है जनरल TS तिमैया, और दूसरा जनरल अध्यक्ष थे उनका नाम है जनरल श्री नागया, और तीसरा जो थे उनका नाम है TS रैना। ऐसा 3 थल सेना अध्यक्ष हमारा देश को पहले ये कुमाऊन रेजिमेंट। आपको पता है क्या हमारा देश का जो सेना का सबसे बड़ा सम्मान क्या होता है? हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम होता है परमवीर चक्र। दोस्तों, ये परमवीर चक्र पाने का पहला अधिकार ये कुमाऊन रेजिमेंट का सोमनाथ मेजर सोमनाथ को है, क्योंकि दोस्तों ये सोमनाथ शर्मा किसके लिए उनको ये पहला परमवीर चक्र मिला था, ये जब हमारा भारत का विभाजन हुआ उस टाइम में पाकिस्तान का जो सैनिक लोगों को पीछे ढकेल दिए थे और हवाई अड्डा का भी रक्षा किए थे, और ये काम करते करते उनका देहांत हो गया और अपना वो शहीद हो गए युद्ध में। दोस्तों, इसके बाद हमारा देश सिलेक्ट किया कि उनको पहला परमवीर चक्र मरणोत्तर परमवीर चक्र का प्रदान किया गया था, और ये युद्ध में और साथ ऐसा महावीर चक्र प्रदान किया और सेना मेडल भी प्रदान किया। 1962 में दोस्तों 1962 में जब हमारा लद्दाख में चीन के साथ जो युद्ध हुआ, ये युद्ध में हमारा मेजर शैतान सिंह अपना जो कारनामा दिखाते हुए चीन का ऐसा बहुत सैनिकों को निधन कर दिया था, और हमारा देश का मान रखते रखते वो भी शहीद हो गए थे। दोस्तों, उनको भी हमारा देश का जो सेकेंड परमवीर चक्र ये कुमाऊन रेजिमेंट में वो उनको मिला था। दोस्तों, मैं ये आपको बता दूँ, 1984 में हमारा जो ऑपरेशन मेघदूत था उसमें हमारा कुमाऊन रेजिमेंट का ऐसा जो सोल्जर्स थे वो 450 किलोमीटर
जो हमारा बर्फ के ऊपर चल के आगे जाके चोटी को, हमारा हिमालय को चोटी को छुए थे और हमारा जो तिरंगा को उधर लहराए थे। तो ये होता है कुमाऊनी रेजिमेंट और उनका इतिहास का गाथा। दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट का जो लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र कुमार है, उनको पद्म विभूषण दिया गया था इसके लिए कि उनका बहादुरी और जो हमारा सियाचिन में काम करके वो हमारा देश का नंदा देवी जैसे बड़ा बड़ा पहाड़ को, ऊंचे पहाड़ को भी जाके छू गए थे, उनको इसके लिए पद्मश्री का उपाधि दिया गया था। दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट का बहुत सारा कारनामा है, ऐसा कुछ काम के जो कि अभी भी इतिहास में लिखा गया है। ये पहला रेजिमेंट था जिसमें हमारा देश का प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको कलर का अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कलर का अवार्ड जो ऐसा होता है जो कि सबसे ऊंचा सम्मान दिया जाता है, तो ये सम्मान कुमाऊं रेजिमेंट का जो हमारा प्रथम राष्ट्रपति थे वो उनको दिए थे। तो कुमाऊं रेजिमेंट का जो उनका सिग्नल है, उसको सिग्नल को बोला जाता है पराक्रम विजयते। पराक्रम विजयते का मतलब ये होता है जो हम शक्तिशाली होंगे, पराक्रम होंगे तो हम किसी भी युद्ध को जय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा कुमाऊं रेजिमेंट के ऊपर कुछ जानकारी आपके लिए, और आप लोग मेरा वीडियो में जो आपका समय दिए उस समय के लिए मेरा तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा वीडियो आपको कैसे लगा, अब ज़रूर मेरा वीडियो में एक आप अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और उसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा तरफ से ये कि आप लोग सभी खुश में रहिए और खुशी बांटते रहिए। और मेरा तरफ से सभी लोगों को ऑल द बेस्ट और जय हिंद।